कोई भी दावत हो और दही भले ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दही भल्लों की रेसिपी जितनी मैंने सिंपल और आसान कर दी है ना, आप जब चाहें जैसे चाहें बना के खा सकते हैं। तो ज़बरदस्त से दही भल्ले आज हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? भल्लियाँ चाहिए। हाँ जी, अच्छा, भल्लियों को मैं जो हूँ ना, पानी की बजाय बटर मिल्क में भिगोती हूँ, चाटी की लस्सी में भिगोती हूँ। ये देखें, वो लस्सी जिसमें से मक्खन निकला होता है, उस लस्सी में भलियाँ भिगोती हूँ। बहुत टेस्ट पे फ़र्क पड़ता है। एक प्याज लिया हमने, जिसको काट के नमक लगा के रख देना है। आलू हैं, 4 आलू उबाले हैं, 1 पाव भलियाँ थी, ठीक है। आलू कट के रेडी हो गए, प्याज डल गया। प्याज इज़ द मैजिक इंग्रेडिएंट, मस्ट है, इसको स्किप नहीं करना। अब हम बनाएंगे रायता ज़बरदस्त सा, जिसके लिए हम दही में हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं पीस के उसकी चटनी बना के वो डालेंगे। मैंने ऑलरेडी बना के ये फ्रीज़ की हुई थी, इसलिए ये क्यूब क्यूब नज़र आ रहे हैं आपको। अब हम इसके ऊपर से अपना रायता डाल देंगे मिक्स मिक्स करके। इसमें नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और थोड़ी सी चटनी रह गई है, कोई बात नहीं, उसको अभी हम सेटल डाउन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से चाट मसाला छिड़क देंगे और बस, ये लो खाओ, इंजॉय करो। ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है और सिंपल के सिंपल। वरना देखा बच्चे, ये चीज़ निकाल, वो चीज़ निकाल, ये नहीं खाना। इसके साथ आप मीठी चटनी बना सकते हैं, इमली आलू बुखारे की, खुबानी की, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उसकी रेसिपी। और ये देखें क्या ज़बरदस्त से क्विक दही भल्ले रेडी हैं। ज़रूर शेयर करें कि आप दही भल्लों में स्पेशल क्या ज़रूर डालते हैं। अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया तो। कल एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।